फ्रेंड्स, वेलकम टू गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, स्टार्ट करते हैं जो कि 9 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 से, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू क्या करना है, 1/10 ए प्लस कोट ए के इक्वल करना है। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, ये जो दिया है, हम इसे सोल्व करते हैं तो कोसेक ए का जो फार्मूला होता है, मैं लगाता हूँ 1/ में साइन ए, माइनस में क्या चल रहा है, साइन ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ क्या है, 1/ में कॉस ए जो कि सेक ए होता है, माइनस में कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब जब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - sin² a/ में क्या आएगा, साइन ए। सेम ऐसे ही 1 रख के हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 - cos² a/ में कॉस ए। ठीक है, अब आ रही थी 1 - sin² a। 1 - sin² a का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, साइन ए। सेम 1 - cos² a जो होता है sin² a के इक्वल, डिवाइड बाय क्या चल रहा है हमारे पास, कॉस ए। अब बच्चों देखो, यहाँ क्या है, स्क्वायर क्या है, साइन ए से ये स्क्वायर कटेगा और कॉस ए से ये स्क्वायर। तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आ रही है वो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस चीज को, इतना पोर्शन को छोड़ देते हैं अभी। अब क्या करते हैं, हम इसका ये पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट। तो जैसे अभी हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू क्या है, ये 1 क्या है, 1। तो हम इसे सॉल्व करेंगे 1/ में टेन को क्या खोल सकते हैं हम, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, प्लस में कॉट ए को क्या खोल सकते हैं हम इसे, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जब हम इसको क्रॉस करते हैं मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू मेरे पास आ रही है हमारे पास, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसे बच्चों, ये नीचे की डिजिट है, ये क्या ऊपर चेंज हो जाएगा। तो जब ये ऊपर पलटेगा, हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, साइन ए इंटू में कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है, इसे मैं काट देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है अभी। जो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड भी पोर्शन सॉल्व हो चुका है, और ये लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं आप इसे, इस तरह से हम क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी से आपको रिजल्ट देंगे। बच्चों, आपको क्वेश्चन कैसा लगा बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गोपाल शर्मा क्लास, एंड बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन बाय।